हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, दो ट्रिक बताऊंगा आपको फाइव की, जो बहुत ही शानदार ट्रिक है। और ये मैथ्स की जो ट्रिक है, अगर आपने सीख ली तो आपको कैलकुलेशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहली ट्रिक मैं बताने वाला, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस फाइव है, जो आखिरी में जिस नंबर पे कितना लिखा हुआ है, पाँच लिखा हुआ, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना जी आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे शानदार ट्रिक है। और ये ट्रिक इतनी शानदार है कि आपको ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ नंबर पे अप्लाई होती है, ये जितने भी जिसका आखिरी में पाँच लिखा होता है वो सबके ऊपर इतना अप्लाई होती है। मेरे को अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ये तो फाइव है, हमेशा आखिरी में आपको 25 लिखना है, हमेशा आखिरी में आपको 25 लिखना है। यहाँ पे कितना लिखा है, 4, 4 से एक ज़्यादा लो, तो 4 इंटू 5 इनका मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 5 4 20, तो ये आपका आ जाएगा 20 25। नहीं आया समझ में, एक बार और बताता हूँ मैं, 35 का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 25 तो लिखना है। 3 से एक ज़्यादा कितना होता है, 3 से एक ज़्यादा कितना होता है, 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 25। जी हाँ, 35 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 12 25। आइए मैं और भी देख लेते हैं अपन, 25 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये क्या होगा आपका, 25 तो यही रहेगा, 2 से एक ज़्यादा कितना होता है, 3, तो 3 2 3 × 2, तो 3 2 कितना हुआ, 6, तो 6 25। तो आपने देखा किस तरीके से कि यहाँ पे जिसके भी लास्ट में अगर 5 लिखा हो, जैसे 45 55 15, जिसके भी लास्ट में 5 लिखा रहता है, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना, तो ये वाली मेथड सबसे शानदार मेथड है। तो गाइज ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 1। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। हाँ तो गाइज अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। तो ट्रिक नंबर 2 में आपको बता दें, अगर किसी भी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना हो, किससे डिवाइड करना हो आपको, 5 से डिवाइड करना हो, तो बहुत शानदार ट्रिक, आपको 5 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 2 16, कैरी आई 1, 4 2 8 और 1 9, और 2 2 4, और अपॉन में कितना हो रहा है, 10। तो आपको एक बात बता देता हूँ मैं, अपॉन में अगर जितना 10 लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, 10000 लिखा है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको डिवाइड करने का तरीका होता है कि अपॉन में जितनी जीरो लिखी है उतना ऊपर आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 49.6। तो जी हाँ, ये आपका 5 से जो आपने डिवाइड करा है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 248 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 पॉइंट बाद क्या लगा देना है आपको, डेसिमल लगा देना है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप यूं धनाधन आप इसको कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, कैरी आई 1, 7 2 14, 1 15, कैरी आई 1, 8 2 16, 17, कैरी आई 1, और 6 2 12, 13, और 1 पॉइंट बाय डेसिमल। दिस इज द आंसर। देखिए कितने जल्दी हो गया, बस क्या करा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और 1 पॉइंट बाय डेसिमल रख देना है। तो बेसिकली ये आपका वैदिक मैथमेटिक्स होता है, इसमें कुछ नहीं करते हम, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हैं अपॉन में, 100 10000 1000 जितने भी हम बना सकते हैं उतना पॉसिबिलिटी इसमें बना सकते हैं। और ये 5 के लिए बहुत शानदार होता है, क्योंकि 5 को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में। तो ये आपको आया समझ में, जैसे इसको आप करिएगा फटाफट, मैं भी करता हूँ आप भी करिएगा, 6 2 12, कैरी आई 1, 7 2 14, 15 कैरी आई 1, 6 2 12, 13 कैरी आई 1, 8 2 16, 17 कैरी आई 1, और 7 2 14, और 15, और ये हो गया आपका आंसर 1573 5.2। दिस इज दी आंसर। इस नंबर को, इतने बड़े नंबर को आपने मात्र इतने से चुटकियों में हल कर दिया। तो अगर कभी भी कोई भी नंबर जिसको आप, अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो आप सिंपल क्या करें, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और 1 पॉइंट बाय डेसिमल रख दीजिए। तो ये आपकी हो गई ट्रिक नंबर 2। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3। तो आइए अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या होने वाला है, इसमें आपको ये करना है, अगर किसी भी नंबर को आपको 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्रीवियस ट्रिक में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना है, तो बताओ 25 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 आएगा, या फिर जो भी जीरो आएगा, 25 4 100, मतलब आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पॉइंट बाय डेसिमल रख देंगे, क्योंकि 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2 होती हैं, इसलिए आप 2 पॉइंट बाय डेसिमल रख दीजिए। जैसे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, तो 8 4 32, कैरी आई 3, 4 4 16, 16 3 19, कैरी आई 1, 4 2 8 और 9, 4 4 16, कैरी आई 1, 4 2 8 और 9, तो कितने पॉइंट बाय डेसिमल, 2 पॉइंट बाय डेसिमल। तो जी हाँ, ये आपका आंसर हो गया। 25 को 2 4 2 4 8 से डिवाइड करेंगे तो 969.92 आएगा। कैलकुलेटर से कर लीजिए, कैलकुलेटर से भी यही आंसर आएगा इतने ही जल्दी में। तो आपको ये बात समझ में आई, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, करिएगा जल्दी से। 4 4 16, कैरी आई 1, 4 2 8, 9 4 1 4, 4 2 8
और 4 6 24 और 2 पॉइंट बाय डेसिमल, तो 2484.96। दिस इज द आंसर। अगर किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट बाय डेसिमल रख दोगे। तो यार अब मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, देखिएगा कितना लॉन्ग नंबर है आपका 6711 2119। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4 9 36 कैरी आई 3 4 1 4 3 7, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 1 4, और आपका ये हो जाएगा 4 7 28 कैरी आई 2, 4 6 24 24 26 और 2 पॉइंट बाय डेसिमल। तो दिस इज दी आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कितना फटाफट तरीके से हो गया। तो ये आपकी होगी तीसरी ट्रिक कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको और भी ट्रिक मैं बताते रहूँगा इस छोटे छोटे कैलकुलेशन से, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन जो होती हैं वो हमारा मैथ्स बहुत परफेक्ट बना देते हैं। हमें क्वेश्चन करने मज़ा आने लगता है जब हम बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने लगते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ऐसी और भी टॉपिक्स पर अगर ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।